नवजात की मौत पर परिजनों ने बागली के निजी हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस से शिकायत करने के बाद अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पर नवजात के शव को गड्ढे से निकालकर शव को बागली हॉस्पिटल पहुंचाया। पूरा मामला देवास जिले के बागली का है, जहां पर मातमोर निवासी प्रसूता को डिलीवरी के लिए बागली के निजी हॉस्पिटल ले जाया गया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा नॉर्मल डिलीवरी कराने का आश्वासन देने के बाद डिलीवरी की गई, लेकिन डिलीवरी नॉर्मल ना होकर ऑपरेशन के द्वारा कराई गई एवं डिलीवरी के एक दिन बाद नवजात शिशु की मौत हो गई। परिजनों द्वारा नवजात को दफना भी दिया गया। इसके बाद परिजनों ने नवजात की मौत को लेकर डॉक्टर से चर्चा की तो डॉक्टर और स्टाफ के द्वारा परिजनों से बदसलूकी की गई और जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत परिजनों ने बागली थाने पर की। शिकायत के बाद बागली अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पर 9 दिन बाद पुनः नवजात के शव को निकाल कर बागली हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ पर नवजात का PM होगा। पुलिस PM रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। के निजी हॉस्पिटल की एक शिकायत मिली है जिसमें एक नवजात बच्चे के शव को भी वापस निकाला गया है, तो क्या है पूरा मामला? एक्चुअली कल SDM सर के वहाँ से एक आदेश मिला था कि जो ग्राम मातमोर है तहसील बागली के अंतर्गत, वहाँ पर एक नवजात शिशु को दफनाया गया था, उसके शव का उत्खनन करवाना था। तो SDM महोदय के निर्देशानुसार आज सुबह मेरे द्वारा और पुलिस टीम के द्वारा वो शव को निकलाया गया है, उसका पंचनामा बनाया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। क्या शिकायत क्या मैडम अस्पताल को लेकर क्या कार्रवाई? हाँ, अस्पताल को लेकर की शिकायत है कि शायद उनके साथ बच्चे के साथ कुछ मारपीट या कुछ चोट लगी हुई है, इसलिए वो शव का परीक्षण करवाना चाहते थे। के द्वारा एक शिकायत की दर्ज की गई है जिसमें बच्चे की एक मौत का कारण भी बताया गया है अस्पताल की लापरवाही के बारे में, क्या है पूरा मामला? जो सब हॉस्पिटल में गया था मेरे मतलब भाई की वाइफ को लेके डिलीवरी के लिए, तो हमसे वहाँ बोला, हमने बोला उनके बड़ा ऑपरेशन की बता रहे हमको डॉक्टर, छोटे से नहीं हो रही है इसकी, तो उन्हें लिए आओ आप, हम लेके गए वहाँ पे। तो उन्होंने पैसे के बोला, हमसे पैसे जमा करवाए, पैसा जमा करने के बाद हमसे बोला उन्हें नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है नॉर्मल हो रहे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद में फिर 2 घंटे बाद उन्होंने हमसे बोला कि डिलीवरी हो गई, फिर हमको बच्चों को बताया नहीं, लड़का है कि लड़की, उन्होंने क्या हुआ लड़के आए लड़की, उन्होंने बोला अभी बता नहीं सकते, 2 घंटे बाद हमको जानकारी दी कि लड़का हुआ, दोनों बाद जाके देखा उसको नली लगी थी, नाक निशान था, सिर के ऊपर निशान था, अपने कपाल के ऊपर। जब हमने पूछने के लिए हमारे बहन जाएगी और हम गए मैडम के पास कि ये बच्चों को निशान कैसे आया, तो बोला आ जाते हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं, बोला आपका बच्चा बच गया, वही बहुत जच्चा बच्चा बच गया, तो भी ठीक है भी अपने जच्चा बच्चा, हम फिर संतुष्ट थे। उसके बाद में बहन और जाजी हमारे गए मैडम के पास, वहाँ पर उनको कंप्यूटर वगैरह हम पे जुमा जट्टी करने लगे कि आप मैडम से कैसे बात कर रहे हो, ऐसा तो अब पूछना पड़े, हमारा बालक ही शांत हो गया दूसरे दिन, तो हम इस चक्कर वहाँ गए थे मैडम से जानकारी लेने के लिए, तो उन्होंने बोला आप जैसे आप मैडम से बात मत करो, गले पकड़ के हमारे जियाजी की। उसके बाद में हम गए थाने पे आवेदन दे के आए बहन जियाजी और मैं। आप जो अस्पताल था उसकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है? हाँ, इसको लेकर शिकायत की गई है जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।